लगाया है। जानते हो कौन सा गीत है? भैया दीपू सुनाए दे, कौन गीत वायरल हुआ है? कोई प्यार भूल कर मत करना। कौन, कितने लोग चाहते हैं कि हम सुनाए दे? हाथ ऊंचा कर लो, इधर से। आप लोग तो नहीं चाहते, आप लोग भगत हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी रोई लिया है, उसके कान में लगा लेते, हेडफोन लगा ले। तो गाया है दीक्षा शास्त्री जी ने, तर्ज बताएंगे लेकिन मर्ज अपनी सुनाएंगे, कहना है पर लिखा नहीं है ऐसे ही। हाँ, कि तू चाहे जितने कर ले सितम में जो मर्जी शाम सही लाइन है, चाहे वो लाइन हो, ये भी लाइन सही है, कहना है कोई प्यारी भोली करी मत करीना हो, कोई प्यारी भोली करी मत करीना, ये इश्क बुरी बीमारी है, तू मर्ज क्या है अनुज बाबू? परम पूज बाबा साहब के लिए कहना है क्या? भेदभाव था, ना साथ में खाते थे ना पी...
पीने देते थे ना उठने बैठने, क्या क्या जुल्म सहे गौर करेंगे। हाई स्कूल तक की शिक्षा उत्तीर्ण की, कहा ग्राम सतारा में गवर्नमेंट हाई स्कूल वर्ण जोनल फाइनल सतारा में हाई स्कूल तक की शिक्षा उत्तीर्ण की। अपमान जीवन भर सा पर हिम्मत ना हारे, हौसला नहीं टूटा। जब बाबा साहब अच्छे अंकों से पास हुए तो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति दे करके कैसे बाबा साहब को पढ़ाया है। पर यहाँ के लोग जुल्म अत्याचार करते रहे, झूठे खत लिख लिख कर लंदन अमेरिका भेजते रहे, कैसे गौर करेंगे। अमेरिका लंदन में उनको बहुत ही सम्मान मिलता है। लेकिन मेरे भैया आज बाबा साहब सब कुछ सहा, बहुत ही बाबा साहब को कमरे में बैठने नहीं दिया गया, कुर्सी में टेबल नहीं दिया गया, घड़े से पानी नहीं, चिरुआ लगा के पीते थे, कमरे क्लास के बाहर बैठते थे, अकेले रोते थे, अकेले खाते थे। बहुत ही जुल्म साहब, बाबा साहब जिस फाइल को हाथ लगाते थे उस पे गौमूत्र छिड़काया जाता था, जिस कुर्सी पे बैठ जाते थे बाबा साहब उस पे गौमूत्र छिड़काया जाता था, जिस कमरे में दाखिला कर देते थे, जिस जहां से निकलते थे वहां पे गौमूत्र छिड़काया जाता था। यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब रहे, डॉक्टर भी रहे, एक बैरिस्टर वकील लॉयर भी रहे, लेकिन उनका सम्मान इस भारत में नहीं देश विदेशों में किया गया, भारत में सदैव बाबा साहब को ठुकराया गया। तो मेरे भैया कैसे कहा गया, 2 मिनट रुक जाइए, कहा गया कि आज
बाबा साहब 10 साल के लिए नौकरी करने के लिए बड़ौदा के महाराज के वहाँ जाते तो रहने के लिए कमरा नहीं मिलता, गायों को रहने के लिए 1200 लोगों के यहाँ मिलती है गौ, जिसे हम लोग घारी कहते हैं। तो उस जानवर के रहने वाली घारी से सामान बाबा साहब का फेंक दिया जाता, उतना आप लोग नहीं सह पाओगे जितना बाबा साहब ने सहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। क्या किए हैं गौर करेंगे। सह करके दुख करोड़ो है हिम्मत न भीम जी, हारे हैं पढ़ी लिखी मेरे पापा भारत में, भीम राव जी आए हैं। बाबा साहेब।